पूरा परिचय बताएं। मैं लायन प्रशांत कुमार गुप्ता, लायंस क्लब वाराणसी मेन का अध्यक्ष हूँ। सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज समापन है, किस तरह का सेवा सप्ताह आप लोग किए हैं और आज लास्ट में कहाँ आप लोगों ने समापन किया है? ये हमारा टोटल 8 दिन का सेवा सप्ताह था जो 1 तारीख से शुरू होकर 8 तारीख तक चला है, जिसमें 7 तारीख को वनवासी छात्रावास में कार्यक्रम जो था किन्हीं कारणों से पोस्टपोन करके आज 9 तारीख को ये कार्यक्रम वनवासी छात्रावास मोचन में कर। सेवा सप्ताह के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर विशेष आप सेवा सप्ताह में ध्यान दिए हैं? विशेष ध्यान हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों के लिए देखा है, किया है, जिसमें कि खाद्य सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन, वृद्ध माताओं के लिए कपड़ा और शॉल दिया है, और स्कूल में हम लोगों ने बच्चों को पठन पाठन सामग्री भी वितरित किया है। हर चीज़ों को हम लोगों ने लेने की कोशिश की है, और भिक्षाटन में हम लोगों ने भटुक भैरव जी के यहाँ पिछले रविवार को करीब 200 लोगों का भोजन कराया। बात की जाए अध्यक्ष जी, तो सरकार भी तीसरे वेग की सचेत कर रही है, तो सेवा सप्ताह में आप इसको भी रखे थे कि कैसे जागरूक किए हैं लोगों को? नहीं, हम लोग तो जागरूक थे, मास्क लगा के रहे हैं काफ़ी हद जगह पे, और इस समय तो तीसरी वेग की ऐसी संभावना तो नहीं दिख रही है, लेकिन यही कहेंगे कि हर आदमी सुरक्षित रहे, मास्क का प्रयोग करे। Ready? Yeah.